नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अतः जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या पर ये उपाय अवश्य आजमाने चाहिए। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। यदि रोगी मानसिक या शारीरिक कष्ट से परेशान है तो अमावस्या के दिन महामृत्युंजय जप जरूर करना चाहिए। आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन भगवान विष्णु का नाम लेते हुए आटे की 108 छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इसे मछलियों को खिला दें। इस दिन चींटियों को मीठा आटा खिलाएं, इससे आपके पाप कर्म मिटेंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन स्नान के बाद चांदी के बने नाग नागिन को सफेद फूल के साथ बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। आप चाहें तो घर में पंडित के द्वारा पूजा और हवन भी करवा सकते हैं। अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में मोली के धागे से बनी बत्ती को घी में डालकर दीप जलाएं। दिए में थोड़ी सी केसर या हल्दी मिला दें, इससे आपके घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएगी। अमावस्या के दिन गंगा जल से स्नान करें या गंगा जल खुद पर छिड़क लें। इस दिन हनुमान जी का पाठ अवश्य करें। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया जरूर लगाएं, इससे कलह और दरिद्रता मिटती है। प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई कर सभी प्रकार का कबाड़ घर से निकाल दें, इससे रूह के काम बनते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। अमावस्या को गौ माता को 5 फल भी नियम पूर्वक खिलाने चाहिए, इससे घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय तथा समस्त शुभ कर्मों को करना निषेध है, इसलिए इस दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्यः नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य देना फलदायी माना जाता है। प्रत्येक अमावस्या को दक्षिणाभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए, पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर अमावस के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें।